गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, फाइनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं कृष्णा सर आप सबों के बीच। आज का टॉपिक है क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। जैसा कि पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बताई गई थी, तो उसके बारे में आप स्टडी कर लेंगे और पहले क्लासेस और दूसरे क्लासेस आप स्टडी कर लेंगे, उसके बाद ही इसको स्टडी करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो आज का जो रिएक्शन है विभाजन या अपघटन अभिक्रिया या इसको विश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट विश्लेषण का हम लोग एनालिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। एनालिसिस का अर्थ ये समझिए इस तरह से कि एनालिसिस करना, कोई भी चीज को एनालिसिस करना मतलब विश्लेषित करना, मतलब कोई भी चीज को खंडे में उसको एक्सप्लेन करके उसको बताना, मतलब कोई भी जो पदार्थ है उसको खंडित करके खंड खंड करके बताना, इस तरह से इसको समझिए। अपघटन, अपघटन मतलब टूटना, जस्ट उसको शाब्दिक भाषा में इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिफाइन भी किया गया है, जब कोई पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, इस तरह की अभिक्रिया को विभाजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, इंस्टेंस लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, जटिल पदार्थ है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं संगमरमर बोलते हैं, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हम हीट करते हैं, हीट का सिंबल ये त्रिभुज का साइन जब भी दिया जाता है, इसका मतलब होता है हीट कर रहे हैं, यानी ऊष्मा दे रहे हैं इसमें। जब इसको हीट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड में टूट जाता है प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस तरह से आप सैंपल भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एस दे देंगे और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो ये भी सॉलिड दे देंगे, ये भी ये जो है आपका गैसियस स्टेट में, इस तरह से जी दे देंगे। समझ जाए जी मतलब गैस, एस मतलब सॉलिड, इस तरह का रिएक्शन आप इसको दे सकते हैं। तो उसके बाद ये पहला रिएक्शन है, उसके बाद और भी कई रिएक्शन आप दे सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, AgCl ले लीजिए। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही इसको सूर्य की प्रकाश में रखते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में, तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है जस्ट ये कंबाइंड है सिल्वर और क्लोरीन। तो जैसे ही सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है कि ये सिल्वर और जो है क्लोरीन जो है ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये सिल्वर अलग हो जाता है, फिर क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तीर का साइन ऊपर दिए, गैसियस स्टेट है, इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये सॉलिड स्टेट में, फिर यहाँ सॉलिड स्टेट, ये जो क्लोरीन जो है गैसियस स्टेट में। तो ये जो है आप जो इस तरह का रिएक्शन दे सकते हैं। आपने देखा क्या, ये जटिल पदार्थ है, कंबाइंड है, और ये जैसे ही सनलाइट पड़ा यानी कि इसमें हीट पड़ा, जो ये टूट करके या बिगड़ के अलग अलग हो गया। इस तरह से बहुत सारा और भी रिएक्शन है, उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, AgBr, इसको भी जब हम सनलाइट में रखते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो ये जो है Ag अलग हो जाता है और Br2 बन जाता है, ब्रोमीन बन जाता है। ये सॉलिड स्टेट, फिर ये गैसियस स्टेट, ये फिर सॉलिड स्टेट, इस तरह से दर्शा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है।